तो देखिए गैस रेवेन्यू ऑफ आसम रेवेन्यू आसम डॉट एन आई सी तो ये धरित्री सर्विस फॉर सिटीजन रेवेन्यू आसम तो इसका बारे में आज आप लोगों को मैं बताने के लिए जा रहा हूँ जस्ट वीडियो पर बने रहिए गैस अगर आप लोग आसम आसम से बिलोंग करते हो तो गैस आपको ये जानना जरूरी है कि गैस अगर आपका भी लैंड जो भी है वो एक पट्टा हो चुका है तो गैस वो देखने के लिए ये वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा तो देखिए गाइस उसका नाम है revenueassam.nic.in awesome तो धरित्री सर्विस फॉर सिटीजन तो सबके लिए है ये और आप लोग इजीली यहाँ से अभी अपना जो भी लैंड है तो उसका आप लोग पट्टा चेक कर सकते हो आपका लैंड एक्चुअल में पट्टा हुआ है या नहीं हुआ है तो देखिए गाइस उसके लिए सिंपली ये वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा और सिंपली भूलेख आसम लिख देने के बाद आपको ये ये मिल जाएगा तो गैस इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है बहुत ही इजी है और सिंपली यहां पर क्लिक कर देने के बाद में देखिए अभी ये सर्च हो रहा है तो आप लोग देखिए गैस इस तरीके का आपको जो कि इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो कि ये मतलब जो भी है लैंड का रिकॉर्ड वो एक मतलब यहां में आपको दिखाई देगा तो आसम का जो भी लैंड है तो गई वो चेक करने के लिए आपको यहीं पर आना होगा और अगर आप लोग मिशन वसुंधरा 2.0 पॉइंट जीरो वहां से जमाबंदी देखना चाहते हो तो भी गईस आपको यहाँ में जमाबंदी के ऊपर में क्लिक कर देने के बाद में रीडर एक होकर यहीं पर भेज देगा तो देखिए देखिएगा इसका वेबसाइट आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो और मैं बता चुका हूँ तो सिंपली अभी यहाँ में आसम का जितना भी सारा डिस्ट्रिक्ट है तो वो आपको यहाँ में देखने को मिल जाएगा तो पहले आप ये पता लगाएंगे आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो आसम का जो भी डिस्ट्रिक्ट है तो वो आपको में अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है पहले तो जो भी है आप लोग सिलेक्ट करिए सिलेक्ट कर देने के बाद में देखिएगा अभी हमें सार्कल है तो सार्कल का नेम आ जाएगा यहाँ और उसके बाद देखिएगा आपका सार्कल कौन सा है तो वो आपको हमें सेलेक्ट करना होगा

विलेज देखने को मिल जाएगा तो वो आप अपना हिसाब से सिलेक्ट करना है जो भी है तो देखिएगा इसमें एक करके आपको दिखा रहा हूं लेंट पट्टा हुआ है कि नहीं है तो यहां से आप लोग चेक कर सकते हो तो देखिए अभी आप लोग सिंपली जो भी है दाग नंबर देके भी कर सकते हो और पट्टा नंबर देके दे देके भी आप लोग सर्च कर सकते हो उसके बाद हमें पट्टा दर का नाम लिख के भी आप लोग इजीली देख सकते हो तो देखिए अपना हिसाब से देखना है और ये कैप्चर सिंपली हमें फिल कर देना है पहले तो फाइव एन एफ नाइन और उसके बाद सिंपली हमें जो भी है आपका दाग नंबर तो वो दे देना है और उसके बाद देखिए देखिएगा और ये हमें बोल के है और सी जमाबंदी है तो देखिए अभी आपको क्या करना है सिंपली यह में दाग नंबर देने के बाद में आपको हमें में कैप्चर देने के बाद में सर्च पर क्लिक कर देना है सर्च पर क्लिक कर देने के बाद में देखिएगा अभी आपके सामने में कुछ मतलब यहाँ सी जमाबंदी पर मतलब एक ग्रीन लाइट चलेगा तो सिंपली आपको यहां पर क्लिक करना होगा तो देखिएगा मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को तो फाइनली गाइस इस तरीके से मतलब एक आपको देखने को मिलेगा जो कि ये एक सोना पट्टा है और उसके बाद देखिएगा देने के साथ साथ ही देखिएगा सी जमाबंदी बोल के लिखा है सिंपली सी जमाबंदी पर क्लिक करना है तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो जो कि हमें पट्टा टाइप में क्या लिखा है एक्सना बोल के लिखा है एक्सना पट्टा है और यहाँ जो भी है मतलब सारा कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा देखेगा इस तरीके से आपको डिटेल्स में सब कुछ मिल जाएगा और यहाँ में सब कुछ मतलब लिखा होता है तो आई हैव गाइस ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा और कैसे चेक करते हैं आसाम का मतलब जितना भी सारा लैंड है लैंड रिकॉर्ड्स तो वो पट्टा हुआ है या तो गवर्नमेंट का मतलब उसमें नाम में है तो ऐसे हुआ आप लोग चेक कर सकते हो आई ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए को प्रेस कर दीजिए आज का मेरा वीडियो भी इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जे भारत